झगड़े या विवाद को निपटाने का एकमात्र जरिया क्या कोर्ट ही है, या उसके ऊपर भी कोई और विकल्प है? उसके आसपास में आपके पास, यदि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें या मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, रिकाउंसिलिएशन, किसी भी प्रोसीजर में आप जाएं, तो शायद आप अपने पैसे, अपने समय और अपने दिमाग की बर्बादी को आप बचा सकते हैं। जी हाँ, और इसी से संबंधित मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था डिटेल में कि एडीआर आखिर होता क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। इसी से संबंधित जो मैंने आपको बताया था कि एडीआर प्रोसीजर में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी अगर आप अपने विवाद को, अपने मामले का निराकरण या निपटाना बाहर करना चाहें कोर्ट के बजाय, जिससे आप अपने समय और पैसे की बर्बादी को रोक सकें, तो निश्चित रूप से आप एडीआर प्रोसीजर पर जा सकते हैं। और एडीआर में भी कुछ चीज़ें होती हैं, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें है आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, मीडिएशन, न्यूट्रल एवेल्यूएशन एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस। ये जनरली पांच चीज़ें होती हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्योरली बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में, जो कि एडीआर का ही एक पार्ट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही एक पार्ट है। एडीआर को आप क्या समझ रहे हैं? एडीआर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना कोर्ट गए या कम से कम कोर्ट के इंटरवेंशन हम लोग आपस में ही अपने मामले का निराकरण कर लें, इसे आप एडीआर आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आर्बिट्रेशन उसी का एक पार्ट है। अब आर्बिट्रेशन का हम लोग ज़रा मतलब समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि जो दोनों ही पार्टीज़ हैं, या दो से ज़्यादा अगर पार्टीज़ हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट रहेगा, उसमें आपको आर्बिट्रेशन क्लॉज डालना ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन जो क्लॉज आप डालेंगे, उसमें ये मेंशन होता है कि ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया, जहां पर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 2 किलो जो भी सब्जी है या जो भी चीज़ें हैं आप मुझे दे दीजिए, जिसके एवज़ में उस सब्जी या फल की कीमत 50, 60 या 100 रुपये होगी, वो मुझे आपको देनी है। अब इसी को आप ऐसा समझिए कि हमारे बीच में ये अग्रीमेंट हुआ, मुझे आपसे सब्जी लेनी थी और मुझे आपको उसके पैसे देने थे। मैंने वो पैसे किस माध्यम से, किस तरीके से देने, ये सारी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी। मैंने आपको एक 50 रुपये का छोटा एग्जांपल दिया, हो सकता है ये 50 करोड़ का भी हो, आप उसे एक जैसे फ्रेमवर्क में ही पुट करके समझ सकते हैं। अब जब हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ, तो मैंने उसमें एक क्लॉज भी डाल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज, एडीआर प्रोसेस को कंक्लूड करते हुए, कि अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच में विवाद हो गया, मान लीजिए आपके फल खराब थे या सब्जियां खराब थी, या मेरे को आपको 50 रुपये देने थे, मैंने आपको पैसे पूरे नहीं दिए, या जिस मोड से पेमेंट करना था उस तरह से या उस समय पे नहीं दिए, तो हो सकता है आपके और मेरे बीच में एक झगड़ा बढ़ जाए। अब जब झगड़ा बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से क्या हम लोग कोर्ट में जाकर के अपने समय पैसे की बर्बादी करें, या आपस में ही किसी थर्ड पर्सन को बिठा दें कि भाई ये मेरा नेबर है, अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो ये ठीक आदमी है, आपके और मेरे बीच के झगड़े का निराकरण ये करवा देगा, और जो भी ये फैसला लेगा वो फैसला आपके ऊपर भी मान्य रहेगा, मेरे ऊपर भी मान्य रहेगा, और हम उसके खिलाफ में कोर्ट नहीं जाएंगे या अपील नहीं करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैंने आपको एक छोटे एग्जाम्पल में बताई सब्जी और फल के एग्जाम्पल से, आप ज़रा समझिए कि इसी प्रकार से यदि आपका कोई भी डिस्प्यूट है, आपने पहले ही उसके लिए एक आर्बिट्रेटर बिठा दिया, तो क्या आप आसानी से अपने झगड़े का निपटारा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही एक एडीआर का प्रोसीजर है, जो कि एक फाइनल आउटकम आपको प्रोवाइड करता है, जो कि जो भी आपने लिटिगेशंस करनी होती है, लिटिगेशंस का मतलब कोर्ट में केस फाइल करने होते हैं या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने होते हैं, उसका जो फाइनल आउटकम है वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। एडीआर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज है, जहां पर आर्बिट्रेशन के बारे में बात होती है और इससे संबंधित जो एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1996, उसके बाद अमेंड भी किया गया 2019 में, और भी कानूनी प्रावधानों को आसान किए गए, ये एक अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन देता है कि आप कोर्ट गए बजाय अपने मामले का निराकरण आपस में ही अपने स्तर पर कर लीजिए। जो आर्बिट्रेटर होता है, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए जज आपने ही बना दिया किसी व्यक्ति को, और वही आपके मामले का निराकरण कर देता है, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से आपका एक तो कोर्ट का एक्सपेंस बच जाता है, टाइम बच जाता है, और आपका जो दिमाग खराब होने वाला होता है वो भी बच जाता है। ये बहुत सारे इसके फायदे हैं।
तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, वैलिड अग्रीमेंट होना जरूरी है। जब वैलिड अग्रीमेंट रहेगा और अगर उसमें यह मेंशन है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज डला हुआ है, अगर हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेटर को अप्रोच करेंगे। आर्बिट्रेटर मतलब जो व्यक्ति हम लोगों ने डिसाइड किया था सब्जी और फल के मामले में कि अगर हमारा डिस्प्यूट हुआ तो हम अपने नेबर को पकड़ के आर्बिट्रेटर बना देंगे, तो पहले से हमारे अग्रीमेंट में मेंशन था। इस कंडीशन में भी जो भी आर्बिट्रेटर रहेगा, आप यदि उसके पास में जाते हैं तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होने पर जो स्टेट की कोर्ट होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या सेशन कोर्ट हो गए या इवन हाई कोर्ट हो गए, वो रिफ्यूज कर सकते हैं उस मामले की सुनवाई करने पर, तब तक जब तक कि आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन या आर्बिट्रेशन अवार्ड पास ना कर दे, मतलब अपना ऑर्डर पास ना कर दे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब जो दोनों ही पार्टीज होती हैं वो अपना डिस्प्यूट क्या करती हैं, आर्बिट्रेटर के सामने लेके जाती हैं। आर्बिट्रेटर मतलब वही जो बीच का एक आदमी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, या कि पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं। जैसा बड़े बड़े कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट्स में देखा जाता है कि पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं या कोई और मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होता है उसको हम लोग आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी कह सकते हैं। अब इसके लिए जो भी अग्रीमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है और उस अग्रीमेंट के हिसाब से अपना काम आगे बढ़ता है, अपने डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी प्रोसीजर होगा या गवर्निंग लॉज होंगे वो सब भी हमको इस अग्रीमेंट में मेंशन करने बहुत जरूरी है। इस वजह से कभी भी आप अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करें, बहुत ही ध्यान से आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर मेंशन कीजिए, मैंडेटरी है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसके हिसाब से आपको जो भी गवर्निंग लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, जैसा मैंने आपको 1996 का आर्बिट्रेशन एक्ट बताया और उसके साथ ही जो अमेंडेड 2019, तो इसको भी आपको मेंशन जरूरी है। अब जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं आर्बिट्रेशन के वो क्या है, सबसे पहला तो ये कि एक इम्पार्शियल रिजोल्यूशन यानी समझौता या निराकरण आपके सामने आ जाता है, दोनों की बातें सुनता है और उसके हिसाब से जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो सॉल्यूशन निकालकर आपको आर्बिट्रेटर दे देता है, जिसे आर्बिट्रेशन अवार्ड भी कहा जा सकता है। अब इसमें डिले नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं कोई फाइनेंशियल कंपनी हूँ, मैंने लोन का लैंडिंग काम किया हुआ है, मैं लोन देता हूं लोगों को, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं कोर्ट के धक्के खाता रहूंगा तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो फंसेगा, मेरा इंटरेस्ट आएगा नहीं और मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी हो गई या और भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, वो आर्बिट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके आर्बिट्रेटर ऑलरेडी अपॉइंट रहते हैं और जो फटाफट उनके मामले का निराकरण कर देते हैं, जिससे जो केस 6 साल में होने वाला था वो हो सकता है कि 1, 2 या 6 महीने के अंदर ही हो जाए। इसके बाद में पार्टीज की फ्री कंसेंट होती है इसमें और फ्री ओपिनियन भी वो दे सकते हैं जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जायज हो। मतलब अगर आपको लगता है कि सेटलमेंट का ये भी ऑप्शन है तो निश्चित रूप से आप आर्बिट्रेटर के सामने रख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी बात, कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है। कब और किन मामलों में आर्बिट्रेशन में भी रिस्ट्रिक्शन होता है उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि कोर्ट का इंटरवेंशन भी काफ़ी कम होता है। इस हिसाब से आर्बिट्रेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर आर्बिट्रेशन लॉ के अंदर आप अपने विवाद का निराकरण करना चाहें तो। कभी भी आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, आप आर्बिट्रेशन क्लॉज को ज़रूर ध्यान से ड्राफ्ट करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही बने रहिए ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। मैं हूं अशोक पांडे, आप जो हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मिलना चाहें, दिल्ली में मिल सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके ही बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी सेम पर्पज़ के लिए है। अपना ध्यान रखिए, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।